किसी ने ठीक कहा है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। हमारी सोसाइटी या समाज में जो चल रहा होता है फिल्में उसको दिखाती हैं। हमारी सोसाइटी में सैडली मर्द हमेशा से औरत पर हावी रहे हैं और आज भी कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ज्यादातर हीरो के इर्द गिर्द ही स्क्रिप्ट्स घूमती हैं। हीरोइन ओरिएंटेड प्लॉट्स बहुत कम बने हैं। पुरुष प्रधान हिंदुस्तान पर एक नारी प्रधान फिल्म मदर इंडिया ने जबरदस्त इफेक्ट तो दिखाया ही, लेकिन उसके साथ साथ इस फिल्म में एक ऐसी साउंड रिकॉर्डिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई थी जो बहुत ही खास थी, और इस टेक्निक का इस्तेमाल सैडली हिंदुस्तान में उसके बाद होना बंद हो गया। ये साउंड रिकॉर्डिंग टेक्निक क्या थी और क्यों हो गई ये बंद, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। इससे पहले कि मैं आपको उस स्पेशल साउंड रिकॉर्डिंग टेक्निक जो मदर इंडिया में इस्तेमाल की गई थी उसके बारे में बताऊं, पहले ये बता देता हूं कि ये साउंड रिकॉर्डिंग चीज क्या होती है। पहले फिल्में साइलेंट हुआ करती थी, दो कैरेक्टर्स आपस में क्या बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता था, हमें सिर्फ पर्दे पर वो हिलते डुलते दिखाई पड़ते थे। यानी चार्ली चैपलिन भी ऐसे ही थे, इंडिया में राजा हरिश्चंद्र जब फिल्म बनी तो वो भी ऐसे ही थी, आपस में वो कुछ डायलॉग बोल रहे हैं या ये कह रहे हैं कि यार जल्दी से ये सीन कर ले, घर चलना है, कुछ हमें समझ में नहीं आता था, हमें तो सिर्फ दो कैरेक्टर्स के मुंह हिलते डुलते नजर आते थे। लेकिन उसके बाद 1931 में आलम आरा आई, जब हमें पहली बार आवाज सुनाई दी। दो कैरेक्टर्स क्या डायलॉग बोल रहे हैं वो पहली बार हमें सुनाई पड़ा। डायलॉग्स के साथ साथ ये वो जमाना भी था जब कैरेक्टर्स अपने गाने वही खड़े खड़े गा दिया करते थे और कोई स्टूडियो नहीं होता था, उसे वही रिकॉर्ड कर लिया जाता था, गानों को भी और डायलॉग्स को भी। ये वो टाइम था जब सिंगिंग एक्टर्स का टाइम था, यानी केएल सहगल, सुरैया जी या नूरजहान जी, ये सब वो लोग थे जो पर्दे पर भी बेहतरीन एक्टिंग करते थे और वहीं खड़े होकर अपने गाने भी गा दिया करते थे। जब फिल्मों में बोले जाने वाले डायलॉग्स, गाए जाने वाले गाने और फिल्म में दिखाए जाने वाला कोई भी सीन, उसकी आवाज लाइव शूटिंग के वक्त रिकॉर्ड की जाए, उसको सिंक साउंड रिकॉर्डिंग कहते हैं। सिंक साउंड रिकॉर्डिंग, ये टर्म आप याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में मैं आगे भी आपको कुछ बताने वाला हूं। लेकिन फिर ऐसा टाइम आया जब फिल्मों के डायलॉग्स तो वही सेट्स पर ही रिकॉर्ड होते थे पहले की तरह, लेकिन गाने अब पीछे से कोई और गाने लग गया। एक्टर्स सिर्फ अपना मुंह चलाते थे, जिसे लिप सिंक करना कहते हैं, और पीछे से प्लेबैक सिंगिंग कोई और करता था। अब एंट्री हुई मोहम्मद रफी साहब या लता मंगेशकर, उन लोगों की जो एक्टिंग नहीं करते थे लेकिन गाना बेहतरीन गाते थे। धीरे धीरे इंडिया में स्टूडियो सिस्टम्स खत्म होने लग गए। जो फिल्में स्टूडियो के कंट्रोल्ड माहौल में रिकॉर्ड होती थी वो सड़कों पर और ऐसी जगह रिकॉर्ड होने लग गई, बाहर गार्डन्स में, जहां बहुत सारी पब्लिक शूटिंग देखने आती थी, और इतने शोरगुल में सिंक साउंड या लाइव आवाजों को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद 1950s में कुछ अलग हुआ। गानों के साथ साथ अब फिल्मों में बोले जाने वाले डायलॉग्स भी लाइव शूटिंग लोकेशन पर रिकॉर्ड होने बंद हो गए। अब ऐसा होता था कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही होती थी तो सिर्फ वीडियो कैप्चर किया जाता था, ऑडियो नहीं।
ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक्टर को फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद एक स्टूडियो में जाना पड़ता था, जहां रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला दिया जाता था और एक्टर को अपनी आवाज में वो इमोशन ला के वही डायलॉग्स दोबारा से बोलने पड़ते थे। इस प्रोसेस को डबिंग कहते हैं। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि आपने जितनी भी बॉलीवुड फिल्में 1960s, 70s, 80s की देखी हैं, जहां पे राज कपूर थे, देवानंद थे, दिलीप कुमार थे, अमिताभ बच्चन थे, राजेश खन्ना थे, धर्मेंद्र थे, उन सारी फिल्मों के जो डायलॉग्स थे वो डब्ड थे। यानी उन डायलॉग्स को उन एक्टर्स ने एक बार तब बोला जब फिल्म की लाइव शूटिंग की जा रही थी, लेकिन जो डायलॉग आप सुनते हैं वो डायलॉग उन एक्टर्स ने एक स्टूडियो में आके दोबारा से रिकॉर्ड किया। और इंसानी डायलॉग्स के साथ साथ कई और ऐसी आवाजें आप सुनते हैं जिन्हें शूटिंग लोकेशन पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ वीडियो कैप्चर किया जाता है। तो अगर कहीं गोली चलती है तो गोली की आवाज, या कहीं टांगा दौड़ रहा होता है तो घोड़े के टापुओं की आवाज, या अगर कहीं झरना बह रहा है तो पानी की आवाज, इन सब का सिर्फ वीडियो शूट किया जाता है, आवाज तो कहीं और रिकॉर्ड करते हैं और फाइनली स्टूडियो में इस वीडियो और इस आवाज को मिला दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में सिंक साउंड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है क्योंकि आप इमेजिन करिए, एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही है और डायरेक्टर ने सबको चुप करा दिया और अब लाइव आवाज़ को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस चालू हुआ, लेकिन जहां ये स्टूडियो है जहां रिकॉर्डिंग हो रही है उसके बाहर है सड़क और सड़क पे है कुछ गाड़ियां, और अगर लगा एक ट्रैफिक जैम तो बस शुरू हो जाएगी पौ 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 पौ, और बस वो सीन पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और उसको दोबारा शूट करना पड़ेगा। ओरिजिनल आवाज़ को शूटिंग लोकेशन पर कैप्चर करना ये भी एक कला है, और इसी वजह से ज़्यादातर फिल्में जो हॉलीवुड में बनती हैं वो सिंक साउंड टेक्नोलॉजी या लाइव आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाली फिल्में ही होती हैं। स्टूडियो में डब करना या आवाज को पैदा करना आर्टिफिशियली अच्छा नहीं माना जाता है, और इसीलिए हर साल एक एकेडमी या ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है फॉर बेस्ट ओरिजिनल साउंड। इंडिया में ज्यादातर फिल्में डब इसलिए की जाती थी एक जमाने में क्योंकि इंडिया में स्टूडियोज के अंदर फिल्में शूट नहीं की जाती, लाइव लोकेशन स्टूडियो से बाहर बनाए जाते हैं। हॉलीवुड में कुछ और ही होता है। हॉलीवुड में बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं, बड़े बड़े सेट्स होते हैं, पूरा का पूरा शहर ही ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडियो के अंदर बस गया हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। प्लस इंडिया में बहुत शोरगुल है, तो जब सिंक साउंड आप कैप्चर कर रहे होते हो तो एक छोटी सी आवाज अगर डायलॉग के बीच में आ गई तो पूरा का पूरा शॉट खराब हो जाएगा। इंडिया में इस तरह का साइलेंस पॉसिबल नहीं है। महबूब खान साहब की मदर इंडिया वो आखिरी बिग बजट हिंदी फिल्म थी जो सिंक साउंड टेक्नोलॉजी से शूट हुई थी। उसके बाद जितनी भी फिल्में बनी वो सब डब की गईं और ये प्रोसेस चलता रहा इंडिया में। फाइनली जाके आमिर खान ने लगान फिल्म के लिए वापस इतने साल पुराना ये सिंक साउंड का फॉर्मूला अपनाया, और आमिर खान के बाद दिल चाहता है फिल्म में फरहान अख्तर ने भी ऐसा ही किया था। आज की तारीख में इंडिया में कुछ फिल्में हैं जिनमें सिंक साउंड होता है, लेकिन ज्यादातर फिल्में इंडिया में अभी भी डब ही की जाती हैं।
हॉलीवुड में इसका जस्ट उल्टा होता है। ज्यादातर फिल्में सिंग साउंड रहती हैं और बहुत कम फिल्मों में डबिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप मदर इंडिया देखें तो उसको ध्यान से सुने भी, क्योंकि मदर इंडिया में आपको जो गांव की मिट्टी की खुशबू आएगी उसका कारण उसका ओरिजिनल साउंड है। उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल या मिलावटी नहीं है। वो साउंड स्टूडियो के अंदर पैदा नहीं हुआ है, वो लाइव कैप्चर किया गया है, जिसको सिंक साउंड कहते हैं। मदर इंडिया वॉज अ स्पेशल फिल्म जिसको बनाने के लिए नरगिस ने मदद की थी महबूब खान साहब की। उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, इसको आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टाटा।